बहुत सारे साथियों के प्रश्न आते हैं कि पंडित जी हमारे पास पैसा ही नहीं टिकता, हम बहुत कोशिश करते हैं और मेहनत भी बहुत करते हैं, फिर भी हमारे पास पैसा आता तो है लेकिन पैसा कहाँ जाता है ये हमें नहीं पता चलता। पैसा जितना मर्जी हम कमा लें हमारे हाथ खाली के खाली रह जाते हैं, बरकत बिल्कुल भी नहीं है पैसे का, स्थिर रूप में बिल्कुल भी हमारे पास निवास नहीं रहता। साथियों देखिए, लक्ष्मी के दो रूप होते हैं, एक रूप होता है जो हमारे पास टिक कर रहे और दूसरा रूप होता है चलायमान, अर्थात चलायमान रूप में लक्ष्मी माता एक जगह पर कभी भी टिक कर नहीं रहती, आज पैसा आया कल चला जाएगा। तो ऐसा पैसा हमें सुख नहीं दे पाता क्योंकि जिस टाइम हमें पैसे की जरूरत होती है उस टाइम हमारे हाथ खाली होते हैं। तो हम सब यही चाहते हैं कि हमारे पास चाहे बेशक थोड़ा कम पैसा आ जाए लेकिन वो पैसा लंबे समय तक हमारे पास टिक कर रहे, उसी पैसे का फायदा होता है। आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने वाला हूँ जिसको करने के बाद आपके पास पैसा आएगा, बहुत खूब छप्पर फाड़ कर आएगा और पैसा आपके पास बहुत लंबे टाइम तक टिक कर भी रहेगा, अर्थात आसानी से आपको कभी भी अपने जीवन में धन दौलत की पैसे की कमी नहीं होगी। एक उपाय मैं आपके लिए जो आज लेकर आया हूँ ये बहुत प्राचीन उपाय है और पहले भी बहुत सारे भक्तों को ये उपाय मैंने बताया है जिससे उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। अगर आप भी चाहते हैं आपके पास हमेशा धन दौलत रहे, आपके पास पैसे की कमी ना हो, तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए और अगर आपने सच्चे मन से इस कार्य को कर लिया तो जीवन पर्यंत आप हमेशा धन धान्य से निहाल रहोगे। तो एपिसोड आप बिल्कुल लास्ट तक देखें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे मिस ना हो सके। तो चलिए शंकर भगवान को प्रणाम करते हुए आज के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम् वंदनान मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो नमस्कार, सुस्वागतम, आभार। मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों का आज के एपिसोड पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। आज का जो हमारा एपिसोड है ये खासकर उन भक्तों के रिक्वेस्ट पर है जो हमें बहुत लंबे टाइम से पूछ रहे थे, पंडित जी पैसे की बरकत को बढ़ाने के लिए कुछ उपाय बताएं। साथियों जितनी हम मेहनत करेंगे तो पैसा तो हमारे पास आता है लेकिन मेन प्रश्न ये होता है कि वो पैसा कितने लंबे टाइम तक हमारे पास टिक कर रहता है, क्योंकि अगर हमारे पास पैसा टिकेगा ही नहीं तो चाहे हम महीने का लाख रुपया भी कमा लें वो भी हमारे लिए थोड़ा पड़ जाएगा, और अगर हमारे पास पैसे की बरकत होती है तो चाहे हम महीने का 20,000 ही क्यों ना कमा रहे हैं वो 20,000 भी हमारे लिए 2,00,000 जितना काम करेगा। तो जैसा कि आपने एपिसोड के टीजर में देखा है, सुबह उठकर बिना नहाए कर देना यह काम और खूब पैसा ही पैसा आएगा। साथियों यह उपाय आपको प्रातः काल में करना है और बिना नहाए इस उपाय को करना है सुबह। साथियों इस उपाय को करने का जो रिजल्ट है वो भी आपको बहुत जल्दी मिलेगा और बहुत असली बहुत शुभ फल इस उपाय के आपको देखने को प्राप्त हो जाएंगे। आपके जीवन में आ रही पैसे से जुड़ी हुई हर प्रकार की समस्या आपकी दूर होगी और आपके पास धन आने के नए नए रास्ते
खुलने लग जाएंगे। आपकी तिजोरी हमेशा पैसों से भरी रहेगी और आप धन दौलत से हमेशा कभी आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो अब मैं आपको बताऊंगा इस उपाय के बारे में जो आपको करना है और परमपिता परमात्मा की कृपा से आपको बहुत अच्छे परिणाम इसके प्राप्त होंगे। साथियों, उससे पहले मेरी आप सभी भक्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, एपिसोड को देखने के साथ साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी जरूर करें ताकि महत्वपूर्ण जानकारी अन्य भक्तों तक भी पहुंच सके। तो साथियों, इस उपाय को आपने मंगलवार की सुबह से शुरू करना है। मंगलवार की सुबह उठकर बिना नहाए आपने एक लोटे में ताजा जल भरना है, एक लोटे में पानी भरकर, और आपने कोई ऐसा पेड़ देखना है जिसके ऊपर फल लगे हुए हों। बिना फल वाला पेड़ नहीं चलेगा। जिस पेड़ पर फल लगे हों उस पेड़ पर जाके आपने ये लोटे का जो जल है वो सारे का सारा जल यह बोलते हुए डालना है कि हे परमपिता परमात्मा, मेरे जीवन में आ रही पैसे की, धन दौलत की हर प्रकार की कमी तुरंत प्रभाव से दूर हो जाए और मेरे भाग्य में मेरे पास हमेशा बहुत अच्छा खासा पैसा आता रहे और मुझे जीवन में कभी भी पैसे की कोई कमी ना हो। ऐसा बोलते हुए आपने सारा का सारा जल उस फलदार पेड़ की जड़ में डाल देना है। मंगलवार की सुबह से इस उपाय को शुरू करके लगातार 40 दिन तक आपने इस प्रयोग को करना है। बीच में कोई भी दिन आपने मिस नहीं करना है। जैसे ही आप उपाय को शुरू करेंगे उसके मात्र कुछ दिनों के भीतर से ही इस उपाय के जो असर है वो होना स्टार्ट हो जाएंगे और देखते ही देखते धीरे धीरे आपका जो जीवन है वो पूरी तरह से धनमय होने लग जाएगा और जीवन में पैसे से संबंधित हर प्रकार की आपकी जो दिक्कत परेशानियां हैं वो दूर होने लग जाएंगी। तो प्यारे बंधु जनों, अगर आज के एपिसोड से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना वह प्रश्न पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे अगले एपिसोड में मुलाकात होगी किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय माता की।